खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 16,700 करोड़ रुपए के नवी मुंबई हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुरानी सरकारों का स्वभाव था लटकाना, अटकाना और भटकना। करीब करीब 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स ऐसे ही लटके, अटके, भटके हुए थे। उनको हमने कार्यान्वित किया, धन का प्रबंध किया और आज तेज गति से वो काम आगे चल रहे हैं। उसी में से एक नवी मुंबई एयरपोर्ट का काम है। महानगर को 21 साल इस पुराने सपने के साकार होने का इंतजार था। मुंबई की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष 1997 में 3000 करोड़ रुपए से एक अन्य हवाई अड्डे की योजना बनी थी, लेकिन राजनीतिक अनिर्णय की स्थिति, पर्यावरण अनापत्तियों और फंडिंग के मुद्दों समेत कई कारकों से इस परियोजना में बड़ा विलंब हो गया। सरकारी सिडको और जीवीके ग्रुप ये हवाई अड्डा बनाएंगे। वैसे इस हवाई अड्डे के लिए जरूरी पूरी जमीन 2268 हेक्टेयर अब तक पूरी अधिग्रहित नहीं हुई है। इसके बन जाने से मुंबई के छत्रपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दबाव काफी कम हो जाएगा। आज रायगढ़ जिले में अवसर अपने आप में एक सुहग संयोग है। आज दो कार्यक्रमों का मुझे अवसर मिला है। एक हमारे नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में भारत के शिपिंग क्षेत्र को, पोर्ट सेक्टर को और वाटरवे को जिस प्रकार से एक नई चेतना मिली है और उसी के तहत मुंबई में जेएनपीटी के चौथे टर्मिनल का आज लोकार्पण हो रहा है। कई वर्षों से हम शब्द सुनते आए हैं ग्लोबलाइजेशन, विश्व व्यापार। सुनते तो बहुत सालों से आए हैं, लेकिन ये विश्व व्यापार की संभावनाओं के संबंध में घर में बैठकर के चर्चा करते रहने से हम देश को कोई लाभ नहीं पहुंचा सकते। विश्व व्यापार का लाभ तब होता है कि विश्व के साथ जुड़ने के लिए आपके पास विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। सामुद्रिक व्यापार उसमें एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है और भारत एक भाग्यवान देश रहा कि सामुद्रिक शक्ति को पहचानने वाले सबसे पहले राजपुरुष, राष्ट्रपुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज थे और उसी का परिणाम है कि आज महाराष्ट्र में इतने सारे समुद्र से जुड़े हुए किलों की रचना और उसके साथ एक समुद्रिक शक्ति का एहसास। आज जब इतने वर्षों के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण करते हैं और जो जेएनपीटी के चौथे टर्मिनल का हम लोकार्पण करते हैं, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे महापुरुष कितने दीर्घदृष्टा हुआ करते थे और कितने लंबे विजन के साथ सोचते थे। आप जी देख रहे हो पटियाला टीवी। पटियाला टीवी जोड़े आप जी ने सोने पंजाब ते देश नाल। हमेशा देखते रहो पटियाला टीवी।